नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। जी हाँ भाई, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको कम से कम 9 या 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है, कंपनी आपको जॉब से बर्खास्त कर सकती है। जी हाँ, और अगर ज़्यादा नुकसान कंपनी को होता है तो भाई आपको फिर जुर्माना हर्जाने का देने का भी आपके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ, लगभग 9 से 10 पॉइंट मैं बताऊंगा, इन बातों का आपको जहन में उतार लेना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय, अमीरात मंत्रालय ने भी ये साफ साफ अपने 1980 का जो अनुच्छेद 20 है उसमें साफ साफ ये प्रावधान किया गया है कि कुछ अगर आप कहीं पर भी, चाहे कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे अपने आप लोकल में किसी अरबी के पास काम कर रहे हैं, चाहे ये काम कहीं भी करें, आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। 10 पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहला और ईमानदारी का पॉइंट है भाई। जी हाँ, जहाँ कहीं भी आप काम करें, पूरी ईमानदारी और लगन से काम करें, चाहे आप कंपनी में कर रहे हैं, शॉप में कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर आपको ये इसमें थोड़ी सी भी आप गड़बड़ी करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, तो ये मत समझना कि जो आपसे आपके आप जिसके पास काम कर रहे हैं उसके दिमाग तो ज़्यादा है, नो डाउट, तभी तो आप उनके पास जॉब कर रहे हैं ना, या उनके पास पैसा है, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ है, तभी तो आप उनके पास जॉब कर रहे हैं, वो आपके पास नहीं कर रहा। तो ये चालाकी दिखाने की कोशिश न करें, ईमानदारी से काम करें। दूसरा बड़ा मुद्दा आता है कंपनी की गोपनीयता या सुरक्षा की, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उसके कुछ निजी कुछ कानून होते हैं, कुछ निजी होती हैं, कुछ बातें होती हैं, जो कंपनी की बातें हैं उसकी सिक्योरिटी, वो आप बाहर लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। जी हाँ, आप ये नहीं कि हाँ जी हमारी काम कंपनी में ये टेक्नोलॉजी है, ये इतना बजट होता है, इतना हमारी कंपनी ये पैसा कमा रही है, इस तरह ऐसे बातें आप बिल्कुल नहीं कर सकते दूसरे के साथ में। ये कंपनी की सुरक्षा को खतरा पैदा करती है। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखने की बातें। तीसरी बात, झूठी पहचान या राष्ट्रीयता न माने। आप अपने झूठे दस्तावेज वगैरह साबित न करें। कहने का मतलब यह है कि आप हैं इंडिया के, आप पाकिस्तानी ना बताएं या किसी भी देश के, उल्टा फुल्टा नहीं करने का। कहने का मतलब है जो आपकी रेडेंशियल है, जो आपकी आइडेंटिटी आईडी इंटरनेशनल आईडी है, वही उसी के हिसाब से आप बातें करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, चौथी नंबर पे हम बात करें कि ऐसी गलती ना करें कि कंपनी को या नियुक्ता को भारी नुकसान उठाना पड़े। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप किसी की गाड़ी चला रहे हैं, आपको गाड़ी नहीं चलानी आती, आपने ठोक दी गाड़ी को, तो नुकसान किसका होगा भाई? नियुक्ता का, जो आपका मालिक है उसी का तो नुकसान होगा ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपके नियुक्ता को, कंपनी को, वो आपका मालिक है उसको भारी नुकसान उठाना पड़े, वरना वो वसूली आपसे की जा सकती है। जी हाँ, काम को लेके सुरक्षा वातावरण के निर्देशों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जी हाँ, काम को लेके जो सुरक्षा दिशा निर्देश आपको दिए गए उसी के अनुसार आपको काम करना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें 6 नंबर पॉइंट पे, जॉब के समय, काम करते समय ऑन ड्यूटी आप शराब नहीं पी सकते या कोई भी नशीली पदार्थों का आप उपयोग नहीं कर पाओगे। जी हाँ, दवाओं वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ये ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो बिल्कुल गलत बात है ये। जी हाँ, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं कंपनी में झगड़ा नहीं कर सकते। कई बार आपने देखा होगा वो उसने सिर फोड़ दिया, उसने चाकू दिया या उसकी मौत हो गई, ऐसा बिल्कुल लड़ाई झगड़े आप नहीं करेंगे। चाहे आप कंपनी का मालिक हो, चाहे आपका सीनियर अधिकारी हो, चाहे आपके सहकर्मी हो, उसके साथ में, किसी के भी साथ में आपको लड़ाई झगड़ा करना शोभा नहीं देता है, आपकी जॉब जा सकती है। जी हाँ, 8वें नंबर पॉइंट पे बात करें भाई, ज़्यादा छुट्टी न करें। एक साल में बिना बताए 20 से ज़्यादा छुट्टी आप नहीं कर सकते। अगर करते हो तो बिल्कुल गलत बात है। और किसी भी महीने में लगातार कंपनी को, अपने नियुक्ता को बताए बिना 7 दिन तक आप रेगुलर गैर हाजिर रहते हो तो वो बिल्कुल आपके जॉब के खिलाफ ये बातें जा सकती हैं। जी हाँ, ये सब बातें 1980 लेबर अनुच्छेद 20 में ये बातों का प्रावधान किया गया। इन बातों का प्रावधान किया गया है कि भाई अगर इनमें से कोई भी गलती आप कंपनी के खिलाफ में, और भी XYZ कोई भी बात हो सकती है, अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लेते हुए कंपनी आपको जॉब से बर्खास्त कर सकती है बिना आपको नोटिस दिए हुए। जी हाँ, मंथ मंथ एडवांस आपको नोटिस मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, कंपनी तुरंत आपको निकाल देगी, यह आपके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको सावधानी पूर्वक ध्यान में रखते हुए अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो लंबे टाइम तक आप जॉब भी कर पाओगे, अच्छा आपका प्रोग्रेस होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपका अच्छा आप सेटल होने की कोशिश में रहोगे। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।